तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का जो A50s वाला मॉडल है उसके अंदर दोस्तों अब आपको ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, या बोल सकते हैं अब गैलरी के अंदर आपको ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। कैसे मिलेगा, कैसे इसको यूज करेंगे आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि बताया मैं आपको बताने वाला हूँ ऑब्जेक्ट इरेजर के ऑप्शन के बारे में। तो उससे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक नया अपडेट मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के फोटो एडिटर को जाकर अपडेट कर लेना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिखाएगा। दोबारा अगर जाएंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर अपडेट करने को मिलेंगे, फोटो एडिटर, ऑब्जेक्ट इरेजर, शेडो इरेजर, रिफ्लेक्शन इरेजर, स्मार्ट फोटो एडिटर, इंजन और ऑटो ऑर्डर, ये आपको सब अपडेट करने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पर एडिट में क्लिक करना है। एडिट में क्लिक करने के बाद यहाँ जाएंगे थ्री डॉट्स पे, यहाँ जाना है आपको अबाउट वाले फॉर्म, अबाउट में जाएंगे तो आपको एडिट का ऑप्शन वहाँ पर अपडेट करना मिलेगा। अपडेट के बाद एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको सैमसंग A50s में। अब यहाँ फीचर काम कैसे करता है, जैसा का नाम है कि ऑब्जेक्ट इरेजर, आप इससे कुछ भी चीज़ को इरेज कर सकते हैं। कैसे काम करेगा, आपको यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ थ्री डॉट्स पे जाना है, आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन। यहाँ पर आप इरेजर शेडो भी कर सकते हैं, जो शेडो दिख रही है आपको अगर वो इरेज करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक शेडो जो भी है वहाँ पर हटा देगा। देख सकते हैं उसको जहाँ तक लगा उसने शेडो को वहाँ पर रिमूव कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया आपको किस चीज़ को डिलीट करना है, तो मान लो मुझे ये पूरी ऑब्जेक्ट यहाँ से सब डिलीट करना है, तो मैंने सब सिलेक्ट करा और यहाँ पर इरेज पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप इरेज पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक सबको डिटेक्ट कर लेगा और वो सब चीज़ें यहाँ पर डिलीट कर लेगा। तो आपको अच्छे से पहले तो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद वहां पर इरेज पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एक एक चीज वहां पर डिलीट कर लेगा। इस तरीके से ये काम करता है। काफी थोड़ा सा काफी ज्यादा अच्छा है नहीं, बट फिर भी ये इस तरीके से काम करता है। आपको छोटे मोटे जो ऑब्जेक्ट होंगे उसको तो ये डिलीट कर ही देगा। तो ये देख सकते हैं ये यहाँ पर डिलीट हो गया है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से ये काम करता है। अगर आप कोई दूसरी फोटो भी लेंगे तो उसमें भी ये काम करेगा ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, लाइक मुझे ये इंस्टा हाईलाइट करना है, तो मैं एडिट पे गया, एडिट पे जाने के बाद थ्री डॉट्स पे गया, ऑब्जेक्ट इरेजर पे गया। ऑब्जेक्ट इरेजर पे जाने के बाद मैंने सीधा सीधा यहाँ से पहले तत्त जूम कर लिया। जूम करने के बाद ये यहाँ से पूरा ये राउंड अप कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर उसको इरेज नाउ पे क्लिक कर दिया, इरेज करूँगा तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिलीट हो जाएंगी। और मुझे ये सब भी इरेज करना है तो मैंने यहाँ से इन सबको भी यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इरेज पे क्लिक कर दिया। ये आपको सेलेक्ट कर लेना है फिर इरेज पे क्लिक कर देना है, तो जहाँ तक उसको लगेगा वो काफ़ी हद तक उसको रिमूव कर देगा। आप देख सकते हैं ये रिमूव हो चुका है, आप इसको डबल टैप करके भी क्लिक कर देंगे तो वो काम कर जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है। मैं काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करता है। लाइक मुझे इस फोटो में को डिलीट करना है, मैं एडिट पे गया, एडिट पे करने के बाद मैं थ्री डॉट्स पे गया, थ्री डॉट्स पे जाने के बाद यहाँ पर गया ऑब्जेक्ट इरेजर पे। अब मुझे लाइक ये रिफ्लेक्शन वाला ऑप्शन ही हटाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक करा और इरेज पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे वो हट गया। अब इस तरीके से एक्चुअल में ये वर्क करेगा। जब आपका पास कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आप उसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। इसमें दो तीन नए ऑप्शन और दे दिए गए हैं। क्या चीज़, आप यहाँ पर जैसे मान लो ये शेडो दिख रही है, आपको शेडो हटाना है तो यहाँ थ्री डॉट्स पे वापस जाएं, ऑब्जेक्ट इरेजर पे जाएं, तो आप यहाँ पर इरेज शेडो भी कर सकते हैं और इरेज रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको इरेज करना है, आप जैसे शेडो में कर दिया तो जहाँ जहाँ उसको शेडो दिखेगी ऑटोमेटिक उसको रिमूव कर देगा, और रिफ्लेक्शन में जाएंगे तो ऐसे ही उसको जहाँ जहाँ रिफ्लेक्शन दिखेगा वो यूज़ कर लेगा। इस तरीके से ये फीचर काम करता है। यहाँ पर यही नया फीचर ऐड ऑन किया गया है, पहले ये फीचर नहीं था, बस जस्ट अभी ये वाला ये फीचर A52s में दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक नया फीचर ऐड ऑन और किया गया है। इसके अंदर इसकी जो डेफिनेशन है उसको बढ़ा दिया गया है। कैसे, आप यहाँ पर जाएंगे एडिट में, यहाँ जाएंगे इसमें, तो यहाँ जाने के बाद आप यहाँ सबसे लास्ट में आएंगे तो डेफिनेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप उसको यहाँ पर डार्कनेस को और अच्छे से या फिर जो भी चीज़ है उसको अच्छे से यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। बट मेन फीचर यही था कि उसमें ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन जोड़ दिया गया। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे DM करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल
सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।